हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। हियर द की कॉन्सेप्ट इज की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट हमारा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये की कॉन्सेप्ट है हमारा। इस क्वेश्चन में देखें आप, एक्स स्क्वायर प्लस वन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर टाइप दिख रहा है टर्म। एक्स स्क्वायर को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो ये जो अंदर फंक्शन है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा यू अपॉन यू प्लस वन थ्री यू प्लस फोर। ये बन जाएगा हमारा यू प्लस यू अपॉन यू प्लस वन यू प्लस थ्री यू प्लस फोर। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू ए बाई यू प्लस वन प्लस बी अपॉन थ्री यू प्लस फोर। ये हमने अज्यूम कर लिया है। इसको अगर हम दोनों साइड एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, इधर हो जाएगा यू और इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए ब्रैकेट थ्री यू प्लस फोर प्लस बी ब्रैकेट यू प्लस वन। ये हो गया। इसको अब हम राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर है यू और इधर यू का कोएफिशिएंट कितना होगा, थ्री ए प्लस बी प्लस फोर ए प्लस बी। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कंपैरिजन ऑन बोथ साइड। कंपेयरिंग करने पे आप ये देखें, इधर u का कोएफिशिएंट कितना है, 3a प्लस बी और इधर u का कोएफिशिएंट 1 है। तो कंपेयरिंग करने पे हमें क्या मिला, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और इधर कांस्टेंट टर्म कितना है, 4a प्लस बी 4a प्लस बी और इधर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम इसको इधर 0 लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो। बी ए दो एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने पे ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस वन एंड बी की वैल्यू आएगी फोर। हम इसको इधर वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए हमारे पास ये ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हम इसको इन ए बी की वैल्यूज को हम दोबारा यहीं पुट कर देंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा हमारा, तो हमारा ये क्या हो गया, u अपॉन u प्लस वन थ्री u प्लस फोर इज इक्वल टू a। a कितना आया था हमारा, a की वैल्यू थी देखिए माइनस वन माइनस वन और u प्लस वन प्लस b की वैल्यू कितनी थी, फोर फोर अपॉन थ्री u प्लस फोर। अब यू कितना था हमारा, यू था एक्स स्क्वायर, इसको ही हम इंटीग्रेशन में रख देंगे। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको अगर हम आई एज्यूम कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए तो आई इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ये कितना हो गया, फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, ठीक है। बी नेक्स्ट स्टेप में आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस साइन हम बाहर निकाल सकते हैं, चलें अभी ये हो जाएगा माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन स्क्वायर प्लस फोर
यहाँ से कॉमन निकाल लिया हमने, तो कितना बचेगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3, 4/3 को हम लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब हमने कि हमारा फॉर्मूला कितना किस टाइप का बन गया, 1/x² प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई, यही देखिए ये जो फॉर्म थी हमारी 1/x² प्लस ए स्क्वायर वाली। तो अब हमारा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला 1/a, ए कितना है इधर, ए इस केस में 1 है, तो 1/1 tan इनवर्स x/1 प्लस 4 ऐसी रहेगा ये इंटू 1/a, इस केस में कितना है 2/√3, ये हो जाएगा 1/2/√3 टेन इनवर्स x/a, ए कितना 2/√3 प्लस सी, सी क्या होता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आई इज इक्वल टू ये देखिए 1/1 तो 1 ही रहेगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस, अब इधर देखें ये 2 से ये 2 हो जाएगा, और एक स्टेप हमारा ये क्या रहेगा यार, ये वाला हमने 3 छोड़ दिया, ये 3 भी साइड में आएगा इधर, इतना हो जाएगा ये 4/3, तो ये समझ में आया, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना आया 2/√3 टेन इनवर्स कितना हो जाएगा √3 x/2 प्लस सी, यही फाइनल आंसर आया हमारा। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।